राधे राधे। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जा रहे हैं मनगढ़ और अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो जो लोग स्कूल से हैं आज उनकी स्कूल लाइफ याद आ जाएगी, जो लोग स्कूल छोड़ दिए हैं या कॉलेज छोड़ दिए हैं तो बहुत मस्ती होने वाली है। बने रहो, अभी आ रही है रिक्शा, उसमें बैठते हैं और फिर चलते हैं। चलो, तो यही रिक्शा हुई है खड़गपुर वाले लड़के। अब तुम शिवाकांत का नहीं ले गए हो? नहीं आए, मिला ले हाथ चले। और भाई ये रिक्शा तो हमारे लोग गंजेड़ी नशेड़ी से भरे पड़े हैं, स्कूल के हैं, क्लास के हैं। अगर आप सैनी बस अड्डा की तरफ से आते हैं तो आपको ये लेहदरी पुल क्रॉस करना पड़ेगा, और ध्यान रहे कि हेलमेट और कागज वागज गाड़ी का होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे चेकिंग लगी रहती है, आप पकड़े जाएंगे। अब तो आरे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। ओए ओए ओए, जो गए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमरी। बस अब यहाँ से 11 किलोमीटर बाकी है मनगढ़ पहुँचने में, और जब तक बोलो राधे राधे। तेरे बिना गाय हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। तो फाइनली भक्ति धाम आ चुके हैं और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि निःशुल्क है, और बोलो राधे राधे। राधे राधे, तुम हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। प्रतापगढ़ जाने और आने का मार्ग है इधर तरफ, और इधर तरफ से हम लोग आए थे सैनी तरफ से, और चलते हैं प्रवेश करते हैं अंदर तरफ। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पे समय सारणी दिया हुआ है प्रवेश करने का, और बाकी ये भक्ति धाम का पूरा सब है डिटेल देख लो। और यहाँ से फिर प्रवेश करते हैं हम लोग, सारे दोस्त लोग यहीं पे हैं। चप्पल जूता शायद अंदर उतारा जाता है जो कि निःशुल्क है, और ये देखो मेन गेट, यहाँ पे सिक्योरिटी विक्योरिटी सब लगी हुई है। राधे राधे बोलो, राधे राधे। अच्छा टोटल कितने लोग हैं, कोई बता सकता है एक बार में? कितने? 20 लोग। 11 लोग, चलो ठीक है। लगता हमको लगता है कि स्कूल से ज्यादा हम ही लोग हैं, है ना? स्कूल वाली बस है ना, स्कूल वाली बस भी आई है लेकिन उधर खड़ी हुई है। अब देखते हैं हमको टीचर मिलते हैं कि नहीं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी हम लोग घूमेंगे क्या। ये हमारे कृपालु बाबा हैं, और चलते हैं इनकी मूर्ति दिखाते हैं हम आगे। जब आप मेन गेट के थोड़ा आगे आप प्रवेश करेंगे तो आपको श्री कृष्ण और अर्जुन दिखेंगे, जहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन उपदेश दे रहे हैं, और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं रथ में। और रास्ते में हमें ये सुंदर से दिखा वाटिका, और अभी मतलब गार्डन है इसके अंदर, अभी हम लोग प्रवेश करेंगे अगर ये खुलेगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्य भक्ति धाम, और अभी उसके आगे लिखा भी हुआ है और भी चीज़ लिखा हुआ है, चलेंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। मायावती की आती है ना, देखो ना। हाँ माया, ये वहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके सारे मित्र हैं, और वहाँ पे देखो सुदामा है, टकले उकले हैं बिल्कुल मस्त से, और यहाँ पे लिखा है श्री गुरु धाम, और आगे बहुत कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो मोर है, और यहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके सारे मित्र हैं, और वो सुदामा है, और इधर गौ माता है, और इधर मोर है, बहुत कुछ है इधर। सबसे पहले हम ये मंदिर को घूमते हैं क्योंकि ये व्हाइट वाला है और अभी अभी बना है, और इसको हम घूम लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर उधर हम चलते हैं। देखो वहाँ से चलने के बाद थोड़ी दूर बाद हमें फिर ये मिल गए श्री कृष्ण जी, और यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं, और सारे जितने भी हैं पशु पक्षी सब इनके मुंह में पिघल गए हैं, यानी कि उनके बस में हो गए हैं सारे। और इधर हिरन उरन है, तो बस यही है गार्डन का सारा व्यू, और चलते हैं देखते हैं और आगे आगे। और राधा है, और राधा की सारी सखियां हैं, और आप देख सकते हैं बहुत गजब का पूरा व्यू है। हम सोच रहे हैं वीडियो वीडियो न बनाए, पहले हम घूम ले, उधर भक्ति भवन है उधर भी चलते हैं और उधर का आपको दिखाते हैं।
यहाँ के चलने का समय शाम 6 बजे से 8 बजे का है और ये शाम को चलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइटें जला करती हैं। हम शाम को किसी दिन आएंगे तो आपको दिखाएंगे, फिलहाल अभी ये दिन का है तो ये चल नहीं रही है, सारी रुका हुआ है। तो शेष नाग है, जिसको नहीं उसे काट लिया करते थे, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी आए और तांडव किए, तो बस में हो गए श्री कृष्ण के, बाकी सब लोग फिर बच गए थे। हमारे पास ये माइक लेके आए हैं, बिना माइक के हम काम चलाते हैं। सारे गेट बंद हुए हैं, अभी 1 बजे ओपन होगा तो बाद में हम दिखाएंगे, अभी सबसे पहले चलते हैं बाहर क्योंकि गेट बंद है, जब ओपन होगा तभी चलेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि स्कूली बस भी आई है, बट हम लोगों को देर तक रुकना था इसलिए हम अपने साधन से आए थे। राधे राधे बोल रहे हैं इकट्ठा सब लोगों को, ए इधर आ जाओ बोलो राधे राधे, आई लव यू। सबसे पहले हम लोग चलते हैं भक्ति मंदिर जो कि वहाँ पे है, और वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर है, तो हम लोग आपको बाहर से दिखा देंगे। कैमरा अलाउ ना हो, ह्यूमन भाई कैमरा चलाएगा। हाँ बिल्कुल सही, चलो प्रवेश करते हैं। इसके अंदर कृपालु बाबा का मूर्ति के जरिए उनकी लीला का दर्शन करवाया गया है, चलो आपको दिखाते हैं, आपको सीरियल बाय सीरियल आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको सिनेमेटिक के रूप में हम दिखाते हैं, नहीं ऐसे बताते रहें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो चलो हम आपको दिखा। तो ये भक्ति मंदिर है और अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो हम कैमरा बंद कर देते हैं और हम अंदर चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन। इधर तरफ कृपालु बाबा का घर है जो कि अब नहीं रहे हैं, और जो मंदिर में लोग काम करते हैं और जो लोग रहते हैं अधिकतर लोग इधर ही रहते हैं, और चलते हैं हम आगे के दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर श्री कृष्ण के लीला को दर्शाया गया है, चलते हैं अंदर प्रवेश करते हैं और उसको भी दिखाते हैं, मूर्ति के जरिए भी उसे भी दर्शाया गया। भक्ति मंदिर हम आपको दिखा दें, अभी ये भवन जो है ये बंद है, अब पता नहीं कब खुलेगा, शायद शाम को खुलेगा, और शाम तक तो हम रुकेंगे नहीं, अभी चले जाएंगे, और उसके बाद ये भी बंद है, ये भी शाम को खुलेगा। अब शाम को खुलने का कारण ये है कि जो लाइटें लगी हुई है ना यहाँ पे किनारे किनारे, ये सब शाम को जलती हैं और बहुत तगड़ा लगता है, मतलब हर कलर चेंज होता रहता है, हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में चेंज होता रहता है सारा कलर, तो बस यही है। मायावती की हाथी है और इसी में हम बैठ के आराम से पहले फोटो ले लेते हैं, और ये हमारे चौमीन है, फोटो ले लेंगे। सब भुक्कड़ बैठे हैं लेकिन पैसा कोई के पास नहीं है, फ्री में खाने सब फ्री में खाने आए हैं, और यहाँ पे भी आएगा। सब भुक्कड़ बैठे हैं, फ्री में खाने आए हैं, और अभी वहाँ से हम ऑर्डर कर दिए, अभी आ रहा है, और अभी देखते हैं किसके किसके जेब से पैसा निकलता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूमा है और मन को शांति वहाँ मिली जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, बहुत अच्छा था वहाँ पे, मतलब महक अलग और वहाँ की शांति कुछ अलग थी, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था और बहुत बढ़िया था। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं घर, और रास्ते में कुछ होता है तो आपको दिखाते हैं। तेजस बोलना, राधे राधे, राधे!